ये देख रहे हो आप MG की हेक्टर फेसलिफ्ट है ये। इसके कंपैरिजन देखोगे तो टाटा की हैरियर आ जाती है। XUV700 भी आती है बट उसका प्राइस मतलब जैसे वो देखोगे ना उसका बेस वेरिएंट में 5 सीटर आता है, वरना टॉप एंड लोगे तो वो 7 सीटर के अंदर ही मिलेगी। 5 सीटर में हैरियर और हेक्टर ये ही दो आप लोगों के लिए ऑप्शन रहते हैं। इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस कॉस्ट करता है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट का गुड़गांव हरियाणा में वो है 25,18,000 रुपये, और हैरियर का देखोगे टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट वो 26,50,000 रुपये कॉस्ट करते हैं अप्रोक्स में रहा हूं। बट वहां एक चीज होगी कि वो डीजल में बताया है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और ये मैंने बताया पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। पेट्रोल डीजल दोनों के साथ में ये गाड़ी मिल जाएगी, बट ऑटोमेटिक लेना चाहते हो ना तो सिर्फ आपको इसका जो पेट्रोल इंजन है उसी को ही आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब चेंज क्या किया गया है फेसलिफ्ट के अंदर में, जो इसकी रेडिएटर ग्रिल देख रहे हो ये इसके अंदर में चेंज कर दिया गया है। बंपर जो है वो इस गाड़ी का नया है ड्यूएल फंक्शन के साथ में। अभी सिर्फ यही चेंज है फ्रंट में, जो इसके डीएल्स है ड्यूएल फंक्शन वाले मिल जाते हैं। इंडिकेटर का भी काम करते हैं एज वेल एज डीआरएल्स का भी काम करते हैं। एलईडी हेडलाइट्स एलईडी फॉग लाइट्स ये गाड़ी के अंदर मिल जाती है। एडास जो है वो अब इस गाड़ी के अंदर में आ चुका है, लेवल 2 एडास है। यहाँ पे जैसे ये चीज देख रहे हैं ना ये इसका रेडार लगा हुआ है और ऊपर की तरफ में इसके अंदर में कैमरा लगा हुआ है। एडास में क्या होगा इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गई, इस तरीके के फीचर्स जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। अब एक बहुत तगड़ा सा फीचर मिलता है, जैसे मान लो मेरी गाड़ी अनलॉक है, अब मैं गाड़ी को ऐसे बंद करूंगा ना और गाड़ी के जो एक रेडियस बना रखा है इसने उससे दूर चले जाऊंगा तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊंगा मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। मेरे को मैंने हाथ नहीं डाला, अपने आप ही अनलॉक हो जाएगी। और ये चीज़ जब भी होगी जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना तब भी ये चीज़ आपकी काम करने वाली है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, आगे कैमरा है, दोनों ORVMs के नीचे कैमरा गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा मस्त सा मिलता है भाई। इसकी हमने ऑफ रोडिंग भी की है तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। गुडियर के टायर मिल जाते हैं, बेसिकली 215/55 और 18 इंच का टायर सेक्शन है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। साइड में क्रोम फिनिश का यूज मिल जाएगा। 60 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है, और ये लिड ना ऐसे बाहर से दबाने से ओपन नहीं होती है, ये ओपन करना चाहते हो तो आपके अंदर से ही होगी। डिफोगर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती है। अब बैक प्रोफाइल में गाड़ी के अंदर में क्या नया है, जो इसका बम्पर आप देख रहे हो ये इसके अंदर में नया हो चुका है। जो टेल लाइट कनेक्टिंग है ये इस गाड़ी के अंदर में नई हो चुकी है। बड़ी बड़ी हेक्टर की बैजिंग है, एडास की साइड बैजिंग दे रखी है। दो फेक टाइप के भाई यहाँ पे एग्जॉस्ट टाइप का से दे रखा है, जो इसका रियल एग्जॉस्ट है ना वो भाई यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। और भाई ये फीचर मिल जाता है इसका ऑटोमेटिकली इसकी टेलगेट खोलने का, इलेक्ट्रिक टेलगेट भाई इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं जो कि आपको हैरियर के अंदर में नहीं मिलती है। अगर इसको बंद करना चाहूँ तो यार ये वाला सिस्टम ना मैंने फॉर्चुनर के अंदर भी किया था, वहाँ पे भी बहुत मतलब एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस साइड में इसका सेंसर, मैं तो अपने बटन से खोल लूँगा। बूट स्पेस जो है गाड़ी के अंदर में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा मिल जाता है। 587 लीटर का बूट स्पेस है। जो इसकी पार्शियल ट्री आएगी ना ये भाई इस तरीके की आएगी, इसको आप निकाल के अपने घर भी रख सकते हैं। और जो गाड़ी के अंदर में स्पेयर व्हील मिलता है ना वो भाई आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, स्पेयर व्हील दिया गया है गाड़ी के नीचे की तरफ में। बूट स्पेस जैसे इसकी मैंने ट्रेसी उठाई है ना तो भाई यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे ना आपको LED में जो है पीछे की तरफ में बूट लैंप भी मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीटें जो हैं गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं, इनको फ्लैट फोल्ड करके दिखाता हूँ मैं। ओ भाई साहब कितना लाजवाब बन जाते हैं यार सही में भाई, दिखा 6 फुट की मेरी हाइट, अगर गद्दा डाल के इसमें लेट के जाए ना ओ यार सही में बंडी बहुत जबरदस्त है यार। अगर इसकी सनरूफ और ओपन हो जाए कहीं ऐसे तगड़ा से एरिया है तो भाई साहब एक नंबर का मजा है इस गाड़ी के अंदर में, होटल का खर्चा भी बचा लेगी गाड़ी आपकी ये चीज बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। और जो गाड़ी के अंदर में माइक कौन था,
और जो गाड़ी के अंदर में स्पेयर व्हील मिलता है ना, वो भाई आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, स्पेयर व्हील दिया गया है गाड़ी के नीचे की तरफ में। बूट स्पेस से इसकी मैंने ट्रेस ही उठाई है ना, तो भाई यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे ना आपको LED में जो है पीछे की तरफ में बूट लैंप भी मिल जाते हैं। 60-40 स्प्लिट सीटें जो हैं गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं। इनको फ्लैट फोल्ड करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल फ्लैट फोल्ड हो जाती है। अगर आप मान लो भाई कहीं इस गाड़ी के अंदर में जाना चाहते हैं ना अपने टूरिंग वगैरह करने के लिए, तो भाई उनके लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया सी रहेगी। इस गाड़ी में जाओ और सीधा सोते हुए जाना, सोते हुए मत जाने यार, वो तो बहुत अनसेफ हो जाएगा वहाँ जाके। जैसे आप ये देखो, ओ भाई साहब कितना लाजवाब बन जाते यार सही में भाई, दिखा 6 फुट की मेरी हाइट, अगर कद्दा डाल के इसमें लेट के जाए ना, ओ यार सही में बंडी बहुत जबरदस्त है यार। अगर इसकी सनरूफ और ओपन हो जाए कहीं ऐसे तगड़ा से एरिया है, तो भाई साहब एक नंबर का मजा है इस गाड़ी के अंदर में। होटल का खर्चा भी बचा लेगी गाड़ी आपकी ये चीज़ बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। अब गाड़ी के इंटीरियर चलते हैं और बता दूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। की देखोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके की मिलती है इसके अंदर, लॉक अनलॉक और इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में, दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जो ड्राइवर साइड सीट है और पैसेंजर साइड सीट दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, एज वेल एज ये वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। ये थोड़ा सा बेज सा कलर है ना भाई, तो ये गंदा बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच दे रखे, जो फिनिश है ना काफी तगड़ी सी मिल जाती है। सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो है ना वही आपको ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिलती है। इन्फिनिटी के गाड़ी के अंदर में स्पीकर्स आ जाते हैं, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर भी जो है मिल जाता है। कोई फुटस्टेप्स नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर में जाने के लिए। यहाँ पे आपको मोरिस गैरेजेस का जो है स्कफ प्लेट भी मिल जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। इस साइड में जो बटन्स देख रहे हो ये तो इसके ORVM के कंट्रोल्स हैं, इतने ये लाइट लेवलिंग के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए एंड इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए। नीचे की तरफ में फ्यूल लिड खोलने के लिए एंड इसका बोनट खोलने के लिए मिल जाता है। जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना ये फ्लैट बॉटम मिलता है, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आ जाता है। इस साइड में दे रखे इसके क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स दे रखे हैं, और इस साइड में दे रखे इसके MID के कंट्रोल, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए और ट्रैक चेंज करने के लिए फ़ोन वगैरह के दे रखे हैं। हॉर्न गाड़ी के अंदर में काफ़ी तगड़ा से मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर दोनों चीज़ें गाड़ी के अंदर मिल जाती है। डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ में सॉफ्ट प्लास्टिक है, आगे की तरफ में यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी सॉफ्ट है, नीचे में जो है आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। लेदर रैप देखोगे तो लेदर सिर्फ यहाँ पे जो है ना ये इतना पार्ट लेदर है और ये भी लेदर है, बाकी और एक हर एक जगह पे क्या है गाड़ी के अंदर में हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। वायरलेस चार्जिंग भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाती है, और ये USB आपकी म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होने वाली, और ये USB है आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। ये जैसे अपने पापा पापा की एज के पर्सन है ना उन लोगों के लिए भाई थोड़ा सा तामझाम से रहेगा, ये थोड़ा सा उलझन भरा सा है। जो नया नया इसको यूज करेगा ना उसको ना थोड़ा सा लगेगा कि उलझन भरा सा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, काफ़ी स्मार्ट है भाई ये, हिंदी भी समझता है इंग्लिश भी समझता है। जैसे मैं इसको बोलूंगा ना हेलो एमजी हाय हाउ कैन आई हेल्प, सनरूफ खोलें, खोलो हिंदी भी समझता है भाई ये। इको के लिए बटन दे रखे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे बटन है, और जो फिनिश दे रखी है ना भाई काफ़ी तगड़े से मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स के लिए दे रखे हैं, AC के लिए, हैजार्ड लैंप के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, पैसेंजर साइड वेंटिलेटेड सीट के लिए, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए। आर्म रेस्ट भाई बिल्कुल बढ़िया से, और इसके अंदर 12 वोल्ट का शॉक किट भी जो है आप लोगों को मिल जाता है, और ये स्लाइडिंग आर्म रेस्ट मिलता है। पोजीशन वगैरह भाई गाड़ी की बिल्कुल बढ़िया से आ जाती है। एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर में सेट कर सकते हैं। जो डिजिटल क्लस्टर दे रखे उसके अंदर चीजें क्या क्या शो करता है, तो देखो ये कांगे बटन ये रहा, इससे मैं चेंज करूंगा। ये तो आपकी आ गई वार्निंग और वार्निंग मैसेज, फटीक ड्राइविंग, और इसको ऊपर नीचे करना है ना तो भाई इस साइड से है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे सा उल्टा दे रखे, एक चीज यहाँ पे एक चीज यहाँ पे, ये चीज थी ठीक है। और ये आपका FM दिखा देगा यहाँ पे, और ये फोन कनेक्ट, जब फोन आएगा ना तो आपको यहाँ पे शो करता है। नेविगेशन में सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, मैप नहीं चलता है इसके अंदर में। और ये आपका MG पायलट हो गया, ट्रिप हो गया, और जैसे आप इसके अंदर एडास लगाने जाते हो ना तो वो इस बटन से सेट होगा, ये बटन मैंने सेट कर दिया, MG पायलट ऑन हो गया। और ये बटन किस चीज के लिए, ये तो आपका क्रूज कंट्रोल के लिए हो जाता है, और जैसे स्पीड को मंदी तेज करना चाहते हैं ना, स्पीड को सेट करना चाहते हैं, तो ये क्या, अब देखो 10 की स्पीड सेट है, ऊपर आ जाएगी, अब इस
ऐसी स्पीड जो है आपकी बढ़ती रहेगी, यहाँ से आप स्पीड को जो है सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ थी। और इसके टच स्क्रीन डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, ये तो बेसिकली काम करेगा इसके होम बटन का। ये होम बटन मैंने दबाया, अब इस तरीके का आ जाएगा। रेडियो, ब्लूटूथ, सेटिंग। सेटिंग में भाई आपने लैग देख लिया, इस इतने तरीके का जो है इसके अंदर में लैग आ जाती है। इतने तरीके का नहीं मतलब इतनी देर का इसके अंदर में लैग आता है। अब इसकी एक ही चीज़ बताने लगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप एक स्क्रीन से देख लो भाई, इस तरीके की आती है, मतलब वैसे नहीं खुलती जैसे हमने बिल्कुल फोन में खुलती है ना, उतने क्रिस्प तो नहीं है, बट यूँ है, सही है। अब क्यों नहीं आ रही नीचे से, तो ये देखो ये चीज़ थी। अब इसकी सेकंड रो में देखोगे तो स्पीकर और ट्विटर दोनों चीज़ें मिल जाती है। ऊपर की फिनिश भाई मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिट एंड फिनिश भी गाड़ी के अंदर में बहुत बढ़िया सी मिल जाती है। ड्राइवर साइड सीट 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है भाई ये। और इसके अंदर देखो ये देख लाइन यार थोड़ा सा टाइट सा पड़ रहा है। ये है इसके अंदर मैक्सिमम रेक्लाइनिंग एंगल और नी रूम, लेग रूम सब कुछ बढ़िया मिलता है। हेड रूम वो भी भाई गाड़ी के अंदर बिल्कुल बढ़िया मिलता है। एक चीज़ देखोगे भाई इसके अंदर में जो फ्लोर है ना बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, तो बैठने में भाई कोई भी दिक्कत है इसके अंदर नहीं होने वाली है। 3 जने गाड़ी के अंदर में आराम से बैठ सकते हैं। रेक्लाइनिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया हो जाता है। 3 इसके अंदर में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, 3 ही एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलते हैं, आर्म रेस्ट मिल जाता है। और जैसे देखोगे साइडों में आपको LED में रीडिंग लैंप्स मिल जाता है। आगे की तरफ में दे रखे हैं, यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दे रखे हैं और इसके सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। और जो गाड़ी का IRVM है ये आपको ऑटो में मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर लैंप दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी जो है आपको मिरर और लैंप दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। सनरूफ की ओपनिंग भाई बिल्कुल ठीक सी हो जाती है, आराम से निकल सकते भाई। देखो सबसे पहले जब आप गाड़ी में बैठोगे तो जो पोजीशन है ना इसकी हाथ हाथ रखने की बिल्कुल कंफर्टेबल है, उससे तो आपको बिल्कुल मजा आएगा। स्टेयरिंग व्हील जो है गाड़ी का बिल्कुल लाइट है, सॉफ्ट है, रिस्पॉन्सिव है, उससे भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत भाई कहाँ पे आएगी, जो इसकी टच स्क्रीन दे रखी है ना इसमें आपको हवा को मंदी तेज करना है तो आपको बार बार ना इस साइड देखना पड़ेगा। जैसे बटन से रहते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, आपको यूँ सीधा बटन दबाओगे आपका काम चल जाएगा, बट इसके अंदर क्या है जैसे ये लग रखा आपको मेन्यू लग रखा है, रुको ये मेन्यू लग रखा, अब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा भाई कहाँ से होगा फिर जा क्या होगा। या तो फिर एक ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको बोल के भी कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेकिंग की बात की जाए जैसे स्कॉर्पियो है भाई उसके अंदर बिल्कुल लाइट से ब्रेक मिलते हैं, तो वो चीज इसके अंदर में, अरे फ्यूल लेवल मत बता, पार्डन, वो चीज इसके अंदर में नहीं मिलती है। विजिबिलिटी की बात आए तो साइड विंडो से ORVM में से आगे से बिल्कुल बढ़िया सा व्यू आ जाता है। और ये ना बहुत चीज डिस्ट्रैक्ट सा कर रही है मेरे को, अब नहीं करना यार कुछ भी, हमें ये बेफालतू में चलने लग रही है, ये चीज बहुत ज्यादा करती है। जैसे अब मान लो मेरे को आगे मुड़ना है तो अब मैं यहाँ पहले से तो इंडिकेटर दूंगा ना, यूं तो नहीं कि मैं एकदम वहां जाकर इंडिकेटर दूंगा, बट इसके अंदर क्या देखो मोड़ आ गया ना, अब मैं जैसे मोड़ूंगा तो इसका इंडिकेटर चालू होता है, यूं नहीं है कि पहले से हो जाएगा, मतलब वो तो फिर कर भी नहीं सकता ना सेंस, ये तो आदमी को पढ़ेगी तो सही पढ़ेगी तो नहीं, कि इंटेलिजेंसी इतनी तो है नहीं इसकी कि मैं मेरे को पढ़ ले मैं वहां मोड़ने वाला हूं तो पहले देते, ये चीज नहीं है। बाकी इंडिकेटर इसके अपने आप जल जाते हैं और अपने आप ही जो है बंद हो जाते हैं। अगर आप पहले देना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं कि वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। लेग रूम, नी रूम वगैरह सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। ऑल द वे बैक करके दिखाता हूँ, ऑल द वे बैक हो चुकी है इसकी सीट, अब नीचे जाने लग रही है ऑल द वे बैक होने के लिए। पूरी ऊपर भी कर लेते हैं भाई, जब एक नंबर गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी आती है। कहने को 1.5 लीटर का इंजन है ये, बट जो चलता है ना भाई जब बिल्कुल बढ़िया चलता है। पेट्रोल में तो आपको 1.5 लीटर आएगा, डीजल में 2 लीटर का आ जाएगा जो कि 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। अभी देखते हैं इसका व्हील स्पिन करती है या फिर नहीं करती है। इसको डालते हैं हम स्पोर्ट्स मोड में, ठीक है, और कोशिश पूरी करती है व्हील स्पिन करने की, कोशिश पूरी है गाड़ी में बट व्हील स्पिन करती नहीं है। डी में डाल देते हैं क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। और जैसे डी से एकदम आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हो ना तो फर्क महसूस होता है भाई, हाँ थोड़ा सा लाइट सा हो जाता है, इतना भी नहीं होता कि बिल्कुल लाइट होगी जैसे इलेक्ट्रिक कार में देखोगा, बट यू है लाइट सा इसके अंदर में हो जाता है। और जैसे डी मोड में मैंने डाल दिया ना तो ऑटोमेटिकली इको मोड में लग जाती है, तो यहाँ पे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को भी बचाती है। टच स्क्रीन हो या फिर इसका क्लस्टर हो दोनों चीजें डिजिटल में दे रखी हैं, तो इनके अंदर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि भाई धूप में मुझे दिक्कत कर रहे हैं, देखने में मुझे दिक्कत आ रही है, ऐसी इसके अंदर में कोई भी चीज नहीं होती है। सेल्फ सेंटरिंग सी इसके अंदर ज्यादा दे रखी है,
बाकी इसका जो ऑफ रोडिंग का ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह टेस्ट देखना चाहते हो ना, तो वो भी अपने चैनल पे कर रखे हैं, बिल्कुल उसको देख सकते हैं। पैसेंजर भाई, अब तू रिस्पॉन्स बता कि इसकी सीट पे बैठने का कैसे रिस्पॉन्स है? ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम नीचे से बैठ गया हो? ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही बैठा हूँ, तेरे ही लेवल पे बैठा हूँ, कुछ इस तरीके की फील आ रही है। ना फेंक ही ना है भाई, मैं अगर हैरियर में बैठू तो हैरियर में थोड़ा सा दशा सा फील हो गए, सफारी में भी हैरियर थोड़ा दशा सा फील हो गए, पर इसमें थोड़ा सा ऊपर फील हो गए। यहाँ तो साइड तो जैसे ऊपर ना है ज्यादा, तो ये भी बल्कि बढ़िया, यहाँ जो हाथ रख लेती हो भी बढ़िया है, तो काफी ठीक है, नोट बढ़िया है, मुझे बढ़िया लग रही है। और सब तब अच्छी चीज मुझे इसमें लगी वो है इसका ये हेड रेस्ट, आगे की तरफ मुड़ रहा है तो पूरा सिर टिक जाए, पूरा सिर टिक जाए आराम से, तो दिक्कत ना आवे। और जैसे गड्ढे वड्ढे भी आ जाते हैं, देखो ऐसे गड्ढे तो पूरे भारत में भरे ही मिलेंगे, गड्ढों का रोड है, तो बिल्कुल आराम से पार कर सकती है इन गड्ढों, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। देखो मतलब आवाज नहीं आती गाड़ी में अंदर में, और हॉर्न तो है ही तगड़ा सा, एक पूरी वो फील भी आती है कि आप एसयूवी गाड़ी में बैठे हो, पूरा ऊपर ऊपर से जा रही है, तो ये चीज भी आती है इसके अंदर में। अब ये ऊपर से ये ढील है, इसमें से इसकी आवाज आ रही है। सेडान क्लास तो बिल्कुल नीचे की तरफ दिखती है कि उनके अंदर देख लो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पायलट ऑन कर दिया, कर ले कैच, नहीं कर रहा यार, ऑफ हो गया ऑटो पायलट ऑन कर गया। देखो अब जहां मार्किंग है ना अब यार लेन कीपर स्विच ऑफ क्यों यार, ये चीज है जहाँ बिल्कुल बढ़िया वाली मार्किंग की है, इसको एचडी वाली जो कहते हैं ना, वहां पे बिल्कुल चलेगा मस्त। और ऐसी मार्किंग है वहां पे भाई थोड़ा सा लफड़ा करते हैं उन लोगों। और भाई इस गाड़ी के अंदर ना 141 bhp और 250 nm टॉर्क पेट्रोल में, गियर शिफ्टिंग जो होती है ना भाई साहब इसकी सीडी ट्रांसमिशन की, भाई क्या बेहतरीन होती है यार, एक नंबर की होती है शिफ्टिंग, पता भी नहीं चलता भाई इसके अंदर से शिफ्ट हो रहे हैं गियर। अभी गाड़ी को करते हैं, देखो इसको मैनुअल में भी आप राइड कर सकते हो, बट इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर नहीं मिलते हैं। ये फिफ्थ, जैसे देखो अब लो स्पीड है ना, तो मैं इसको गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अप शिफ्ट में ले नहीं रही है, ये डाउन शिफ्ट में ले लेगी। इस गाड़ी के अंदर ना भाई आपको बॉडी रोल, जैसे मान लो अभी तो भाई नॉर्मल चल रही है, थोड़ा बहुत हिलाओगे तो वो बॉडी रोल इतना नहीं है इस गाड़ी के अंदर में, थोड़ा बहुत है। बट जैसे ब्रेकर्स के ऊपर से कूदती है ना, ये छोटे ब्रेकर, जैसे थोड़ा सा बड़ा ब्रेकर आता है उसके ऊपर से कूदती है ना, तब भाई थोड़ा ज्यादा सा हिलती है, ये पीछे वाले को थोड़ा ज्यादा चक्कर आते हैं। सब कुछ था चलाने में, बहुत मजा आएगा